हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग करेंगे क्लास नाइन्थ साइंस का एक चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री से आता है, मैटर इन आवर सराउंडिंग का रिव्यू। ऑलरेडी दो पार्ट हमने बना दिया, नहीं देखे तो जा करके ज़रूर देखिए। ये तीसरा पार्ट होगा जिसमें पूरा चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग का। और मैं जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ आपको पता है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट से पता है उनको मैं पूरा नोट्स के साथ पढ़वाता हूँ। तो घर पे बैठ कर पूरा नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक है, और पूरा अच्छे से कंसेप्ट को समझिए। और आज का जो पार्ट होगा लास्ट पार्ट होगा, और पूरा हम लोग इसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और बाद में आपको पूरे चैप्टर को कंबाइन करके, यानी पूरे वीडियो को कंबाइन करके एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें पूरा कंप्लीट मैटर इन आवर सराउंडिंग देख सकते हैं आप सिर्फ एक वीडियो में, ठीक है। चलिए, अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लेटेंट हीट के बारे में, पढ़ा था हम लोगों ने इवेपोरेशन क्या होता है, बॉयलिंग क्या होता है, वेरियस टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। लेटेंट हीट पढ़ा था, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इवेपोरेशन, जो हमने बताया था आपको, अगर नहीं देखें तो जा करके देखिए, मैंने बताया था इवेपोरेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो अगला टॉपिक हम लोगों को कवर करना है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जो इवेपोरेशन मैंने आपको बताया था वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। समझिएगा इस चीज़ को मैं क्या बता रहा हूँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी गारंटी है, ठीक है। अब देखो इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ, क्या बताया था मैंने, अगर नॉर्मली हम किसी भी लिक्विड को एयर में एक्सपोज करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, तो क्या होता है उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यानी कि क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होने लगता है। कैसे होता है इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, सीधे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है एनर्जी लेकर के एटमॉस्फेयर से, या फिर कैसे भी हम हीट एनर्जी उसको देते हैं, तो क्या करेगा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वही हमारा इवेपोरेशन है। तो जो इवेपोरेशन होता है वो कूलिंग का इफेक्ट शो करता है, ठीक है। क्या करता है, कूलिंग का इफेक्ट शो करता है, क्यों करेगा, क्यों नहीं, क्योंकि क्यों करता है उसको समझते हैं। सपोज दैट हमने क्या किया, यहाँ पर एक वाटर का ड्रॉप लिया, ठीक है, हमने हाथ पे अपने क्या लिया, वाटर का ड्रॉप लिया, और हमने फैन को ऑन कर दिया। फैन ऑन करेंगे तो क्या होगा, वाटर भी इवेपोरेट करेगा। अब आपको पता है कोई भी चीज़ वाटर इवेपोरेट करेगा तो क्या होगा, उसको एनर्जी चाहिए, तब क्या करेगा, यहाँ से हीट एनर्जी लेगा, हीट एनर्जी लेगा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए, यानी कि इवेपोरेट होने के लिए, यानी हीट एनर्जी यहाँ से निकालेगा तो क्या बचेगा, कूलिंग का इफेक्ट होगा। यानी इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग शो करता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। अरे सिंपल सी समझने वाली बात है भाई, इवेपोरेशन के लिए एनर्जी चाहिए, अगर हीट एनर्जी अगर कहीं से लेगा हो तो क्या करेगा, वहाँ पर कूलिंग का तो इफेक्ट होगा ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो इवेपोरेशन होता है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है उसको हम लोग जानने वाले हैं, जो इवेपोरेशन होता है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं उसको हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है हमारा वो क्या है, वह हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इवेपोरेशन को कैसे अफेक्ट करता है, चीज़ समझो, यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, यानी कि इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। यानी कि क्या होता है, इसके टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी किसी भी लिक्विड को हम क्या करेंगे, हीट देंगे तो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि पहला डिपेंडेंसी है, अफेक्ट करेगा। जो दूसरा अफेक्ट है इसका, जो दूसरा फैक्टर है क्या है, वो हमारा सरफेस एरिया, वो हमारा क्या है, सरफेस एरिया का है, ठीक है। और सरफेस एरिया की हम बातचीत करें तो जब जैसे हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि सरफेस एरिया को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर सरफेस एरिया को डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज करेगा। यानी कि एक चीज़ एग्जांपल समझो आप लोग, मैंने बताया था कि जो इवेपोरेशन होता है सरफेस फिनोमिनन होता है, क्या होता है, सरफेस फिनोमिनन होता है।
देखा होगा आप लोगों ने कि अगर हम किसी कपड़े को छत पे सुखाने के लिए जाते हैं, अर्गनिप ऐसे ही सिंपली केवल फेंक दें बिना पसारे हुए ऐसे ही डाल दें तो कपड़ा नहीं सूखेगा जल्दी, लेकिन उसको फैला करके अच्छे से डालेंगे तो क्या होगा, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। यानी सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। आ रही चीज़ समझ, यानी कपड़े को हम फैला करके अच्छे से अर्गनिप डालेंगे जल्दी सूख जाएगा, लेकिन ऐसे ही फेंक देंगे तो जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, जो तीसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है, जो तीसरा फैक्टर अफेक्ट करता है वो हमारा विंड स्पीड। वो क्या हमारा विंड स्पीड, जो हमारा इवेपोरेशन है विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है, यानी कि इफ विंड स्पीड, समझिएगा, इफ विंड स्पीड इंक्रीजेज देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। ठीक है, यानी कि विंड स्पीड का अगर इंक्रीज करेगी तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, अगर विंड स्पीड डिक्रीज करेगी तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज होगा। आपने देखा होगा कि अगर हम कपड़े सुखाने जाते हैं तो जिस मौसम में हवा कम चलता है, ठीक है, हवा कम चलता है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, लेकिन जैसे ही एकदम समझ लो एकदम फर फर बहुत तेज हवा चल रही है तो क्या होगा, कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसका मतलब क्या है कि विंड स्पीड इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, जो चौथा फैक्टर है हमारा जिस पे हमारा इवेपोरेशन डिपेंड करेगा वो है ह्यूमिडिटी। वो क्या हमारा जो चौथा हमारा फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी, इस पे हमारा इवेपोरेशन डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर कौन सा है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी समझ में आया क्या होता है। ठीक है, यानी कि इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा डिक्रीज करेगा, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा। जैसे ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सोचो ऑलरेडी एयर में क्या है, मॉइस्चर है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो क्या करेगा वो इवेपोरेशन उसमें रेट कम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है तो ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करेगा। ठीक है, ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें थी आप लोगों के लिए। अब कुछ चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, कुछ चीज़ें मैं कंसेप्ट बताता हूँ आप लोगों को जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, और लगभग हर साल ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और बच्चे क्या करते हैं, रट के जाते हैं। लेकिन एक चीज़ को समझिएगा आप लोग, जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ समझिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली कैप्ड इन अर्थन पॉट, यानी मटके में। यानी कि गर्मी के दिनों में आप लोग देखते होंगे कि मटके में पानी रखा जाता है और बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आप गांव में जाके देखेंगे आप तो वहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होता है, वो हमारे यहाँ मटका ही होता है। ठीक है, तो मटके में पानी इतना ठंडा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सिंपल सा आंसर दोगे, आप क्या दोगे, जो मटका होता है, जो अर्थन पॉट होता है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, और उससे पानी सिप करता है, यानी कि पानी थोड़ा थोड़ा बाहर रिसता निकलता है। ठीक है, अब पानी थोड़ा थोड़ा निकलेगा तो क्या होगा, वहाँ पर इवेपोरेशन होगा। क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन का मतलब क्या, मैं बताया मैंने, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, उसको हीट एनर्जी चाहिए, तो हीट एनर्जी कहाँ से लेगा, जो वाटर से अंदर, जो मटके के अंदर वाटर, वहाँ से क्या करेगा, हीट निकालेगा, और हीट निकालेगा इवेपोरेशन के लिए तो क्या होगा, कूलिंग का इफेक्ट होगा, तभी पानी क्या होता है, ठंडा रहता है। आया समझ में। दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ अर्थन पॉट वाला यानी मटका जो होता है। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन है कॉटन, यानी कि गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, इतना कंफर्टेबल क्यों होता है कॉटन का कपड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, यानी कि कॉटन क्लॉथ। ये दो क्वेश्चंस बहुत ही घिसे पिटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो समझना इस चीज़ को कि गर्मियों में जो कॉटन के कपड़े हम लोग पहनते हैं इतना कंफर्टेबल क्यों होता है, कंफर्टेबल फील क्यों होता है, अच्छा क्यों लगता है। देखो मैं आपको बता दूं क्या होता है कि गर्मियों में पसीना स्वीट बहुत निकलता है, पसीना बहुत निकलता है, और जो कॉटन होता है क्या करता है, वो ऑब्जॉर्ब करता है, पसीना को ऑब्जॉर्ब करता है,
और जैसे पसीना को ऑब्जॉर्ब करेगा तो एयर में एक्सपोज करेगा, और एक्सपोज करेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। और इवेपोरेशन आपको मैंने बताया क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट शो करता है। इवेपोरेशन का मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा जो पसीना होगा, और लिक्विड से सॉरी गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको एनर्जी चाहिए, और हीट एनर्जी बॉडी से लेगा, और बॉडी से हीट एनर्जी लेगा तो क्या होगा, कूलिंग का इफेक्ट होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े गर्मियों में ज़्यादा पहनते हैं। और जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं, सिंथेटिक फाइबर वगैरह कपड़े होते हैं, यानी कि पॉलिस्टर कपड़े जो होते हैं, क्या होते हैं, वो गुड ऑब्जॉर्बर नहीं होते हैं, पसीनों को ऑब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ऑब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो इवेपोरेशन नहीं होगा, तो कूलिंग नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पूरा कंप्लीट मैटर और सराउंडिंग का पूरा कंप्लीट चैप्टर एक वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, रियल कॉन्सेप्ट।